गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। कल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, इसके सारे पार्ट जो थे और उसकी जो टाइम स्पेसिंग एडवर्ब जो है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता करनी है। किसको पता करना है? पहचान को। तो इसके अंदर क्या होता है? समय प्लस से होता है। समय प्लस से। अब समय कौन सा होता है? एक तो होता है निश्चित समय और एक होता है समय की अवधि। ये दो टाइप होती है, ठीक है ना। और इसके साथ में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रहे हो आदि लिखा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये चीज आने के बाद में समय का भाग जो है वो दो होता है। समय एक तो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये दो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित समय। कौन सा होता है? निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम होता है समय की अवधि। ये दो बात होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम आता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम आता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो कौन सा टाइम होता है। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर दे दिया टाइम ऑफ वॉच, उसके बाद में नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, फिर दे दिया नेम ऑफ ईयर, फिर दे दिया नेम द पार्ट ऑफ द डे, दिन का जो समय भाग होता है उसका नाम। तो टाइम ऑफ वॉच यानी जैसे 2 o'clock या 3 o'clock, 3 o'clock एक्सेट्रा, ये चीज दी हुई होती है। फिर नेम ऑफ डे जैसे दे दिया हमने संडे ले दिया या मंडे ले दिया एक्सेट्रा। फिर नेम ऑफ मंथ जैसे हमने इधर जनवरी ले लिया या इसका जुलाई ले दिया। उसके बाद नेम ऑफ ईयर जैसे कि हमने दे दिया 1995 या 2020 एक्सेट्रा, ये दे दिया। फिर नेम द पार्ट ऑफ द डे जैसे इसमें आपका मॉर्निंग आ गया, आफ्टरनून आ गया, आफ्टरनून आ गया या इवनिंग आ गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा जो है ये चीज आती है। तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए सेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं फॉर की यानी पीरियड ऑफ टाइम। किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। इसके लिए फॉर आएगा। अब पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है? सबसे पहले पीरियड ऑफ आवर्स, फिर आ जाएगा पीरियड ऑफ डेज, फिर आ जाएगा पीरियड ऑफ वीक, फिर आ जाएगा
ठीक है ना। फिर जैसे कि फिव आता है या मैनी आ जाता है, तो उसके लिए भी पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे पीरियड ऑफ आवर्स यानी 2 आवर्स या 3 आवर्स, ये चीज आ गई। फिर पीरियड ऑफ डेज यानी 3 डेज या 5 डेज, 5 डेज, वीक जैसे 2 वीक्स या 3 वीक्स, जो भी वो आ जाती है। पीरियड ऑफ मंथ जैसे 5 मंथ्स या 7 मंथ्स, 7 मंथ्स जो भी है। पीरियड ऑफ ईयर जैसे 2 इयर्स या 5 इयर्स, 5 इयर्स, ये चीज आ जाती है। उसके बाद देखते हैं या मैंने जो दिया है, जैसे इसमें दिया फॉर 5 डेज या मंथ वीक ईयर जो भी है, और मैनी के लिए आ जाएगा फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक, फॉर मैनी मंथ्स, मैनी मंथ्स या मैनी ईयर्स जो है वो आ जाती है ऐसे कर। तो ये चीज जो होती है उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम आता है और उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ड्स क्या आती है, एच बी, इसके अंदर आता है एक तो हैज बीन और एक आता है हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, और प्लस इसके साथ में क्या लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब देखिए हैज बीन कब आता है, हैव बीन कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उस दरमियान इसके साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके लिए हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में, या इसका सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से इसका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका निर्माण करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप इसका हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका हमने हेडिंग डाल दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आ गया ये सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाता है हैज बीन या हैव बीन आ जाता है, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर आता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये चीज आ जाती है सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इस तरीके से इसका इंस्ट्रक्शन जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, समझिए आप इसके बारे में। अब देखिए अब हम इसका सेंटेंस बना रहे हैं, इसका सेंटेंस किस टाइप से बनेगा उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिएगा इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पहला सेंटेंस दे दिया जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आई। अब देखो रहा हूं ये तो कंटिन्यूस हो गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, और सुबह से ये टाइम प्लस से दिया हुआ है, और सुबह यानी मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग किस में आता है, मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे हम, और अब इसमें हैप्पी वर्ब क्या आती है, हैज या हैव
बीन आता है, आई के साथ में हैव बीन आ जाएगा, तो आई हैव बीन। अब वर्ब क्या है, पढ़ा रहा, पढ़ाने को कहते हैं टीच, टीच के साथ में हम आई एन जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इंग्लिश, कब से, सुबह से, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, तो ये आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, ये इसका सेक्शन का सेक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जैसे रेखा दो घंटे से सो रही है। अब सो रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो घंटे से समय प्लस से दिया हुआ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके लिए रेखा, रेखा सिंगुलर है, इसके लिए हैज आ जाएगा, तो रेखा हैज बीन। अब वर्ब क्या है, सोना, तो स्लीप हो जाएगा, यानी स्लीपिंग, रेखा हैज बीन स्लीपिंग, कब सो रही, दो घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग हो जाएगा, तो रेखा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये बन गया इसका, रेखा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो ये होता है पार्ट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है।